प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में आपने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को पढ़ा था। आप जानते हैं कि अपने भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त करने वाली इकाई वाक्य है। परीक्षा में रचना के आधार पर वाक्य के भेद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। इसके तीन भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। पहला सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, कर्ता एक या दो भी हो सकते हैं, वह सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे सीता कपड़े धोती है, इसमें कर्ता सीता है और क्रिया धोना। दूसरा वाक्य है सीता और गीता कपड़े धोती हैं, उसी प्रकार से इसमें दो कर्ता हो गए, सीता और गीता। तीसरा वाक्य, वह मेरा विद्यालय है। वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग भी हो सकता है। यह, वह, तुम आदि सर्वनाम का प्रयोग भी इन वाक्यों में किया जाता है। इसे सरल वाक्य और साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जब दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जोड़कर बनाया जाता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में वाक्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, उन पर आश्रित नहीं होते। ऐसे वाक्यों को किंतु, परंतु, एवं, तथा, या, अथवा के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ और तुम पढ़ रहे हो। पिताजी आने वाले थे किंतु नहीं आए। सत्य बोलना चाहिए परंतु कटु सत्य नहीं। इन तीनों वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और, किंतु, परंतु, इन अव्ययों के द्वारा वाक्यों को जोड़ा गया, यह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य और एक या अनेक उस पर आश्रित वाक्य होते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें वाक्यों को जो, जहां, जब, तब, कि, अगर आदि अव्ययों से जोड़ा जाता है। राम ने कहा कि मैं बाजार नहीं जाऊंगा। दूसरा वाक्य, यह वही छात्र है जो कक्षा में प्रथम आया है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे सब चाहते हैं। इसमें भी कि, जो, उसे, इन समुच्चय बोधक अव्ययों के द्वारा इन्हें एक दूसरे से जोड़ा गया और यह पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। यह वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो अब आपको इन तीनों रचना के आधार पर जो तीन भेद हैं, उन तीनों भेदों के वाक्यों को एक दूसरे के भेद में, एक दूसरे की परिभाषा के अनुसार उनमें बदलना है। बहुत बहुत धन्यवाद।